प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला आरएसपी में सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। सेल आरएसपी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमेशन विभाग में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और कवि शेखर चिंतामणि महंती। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एचआरडी सेंटर में 6 नवंबर 2021 को एक सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित की गई। महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्क्स श्री धीरेंद्र मिश्र ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक पीएल कल्याण, कैंटीन, नगर एवं चिकित्सा श्री जीआर दास भी उपस्थित थे। अधिकारियों सहित 21 कर्मचारी नवंबर 2021 के महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कार्यक्रम में अंतिम निपटान देय राशि और वित्तीय सुरक्षा योजना, सुचारू अंतिम निपटान के लिए प्रक्रिया और सेल मेडिक्लेम योजना, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के नए चरण में सुगम जीवन यापन के लिए मानसिकता, बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, भलाई, अपने शरीर और मन को जाने और आईटी का सुरक्षित उपयोग, सक्रिय नियोजन जीवन से सेवानिवृत्त जीवन के बाद के लिए सहज स्वस्थ जीवन की सुविधा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। इन हाउस फैकल्टी सदस्यों द्वारा सत्र लिया गया। कार्यशाला का संचालन श्री जी आर दास एवं आरएसपी के कर्मचारी कल्याण विभाग की टीम द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमेशन विभाग में हाल ही में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी ईएनए श्री श्रीनिवास कोंडा ने समारोह की अध्यक्षता की और मास्टर तकनीशियन ईएनए श्री कृष्ण गुरु अडावर को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। श्री अडावर को सिलिकॉन स्टील मिल के एचजे बे वेब्रिज में डीडब्ल्यूआई और पीसी के संचार मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए पुरस्कृत किया गया। सभी सुरक्षा सावधानियों के साथ की गई कार्रवाई ने डाउन टाइम को कम करने में मदद की। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा द्वारा किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है कवि शेखर चिंतामणि महंती। चिंतामणि महंती का जन्म 16 मार्च 1867 को भद्रक शहर के अस्तल में हुआ था। उन्होंने ओडिया भाषा को गैर ओडिया लोगों के वर्चस्व से बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक कोशिश की थी। उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में घुमूसर, सालंदी, मेघासन, रूपाचुड़ी, बुला फकीर, सनी सप्त और टंका गच्चा आदि शामिल हैं। जीवन पंजिका कवि शेखर चिंतामणि महंती की जीवनी का मरणोपरांत प्रकाशन है। 17 दिसंबर 1943 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।